शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। Come on all, गाजा वाजा सब लोग, कम 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 आप सब लोग। दुख की बातें बीत गई है काली रातें, छोड़ भी दो अब दुख की बातें बीत गई है काली रातें। आया नया सवेरा जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं, बीच बीच में जैसे मौका आएगा तो स्टोरी को वहीं फिट करेंगे। तो आज मैं सोच रहा था कि कौन सी स्टोरी सुनाऊं, फिर मैंने सोचा यार ये वाली स्टोरी सुनाता हूं, हालांकि बहुत सी स्टोरी रह जाएंगी, फिर कभी वास्तु में सुनाऊंगा आपको। आपको पता है बड़ी सफलता के लिए जिन लोगों ने बहुत महान सफलताएं अर्जित की हैं, तो कुछ कैसे करी हैं, प्रयास बड़े रहे होंगे, इश्क बढ़ा रहा होगा, इबादत बढ़ी रही होगी, जहां दांव पूरा खेला होगा, जुआ पूरा ही खेला होगा सर जीवन के अंदर। याद रखिए जब आप बहुत बड़ी सफलता पे जाते हैं ना करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, आप राजा से रंक भी बन सकते हैं। तो मैं इस तरह का जुआ खेलता हूं जीवन में अंदर सर, आपको भी चाहता हूं अगर जिगरा हो तो ऐसा जुआ खेल जाना। आप मुगले आजम पिक्चर आप सबने नाम सुना ना, लेकिन मुगले आजम की कम से कम 15-20 स्टोरीज हैं बीच बीच की मोटिवेशन वाली, बट एक स्टोरी सुनाता हूं आपका मुगले आजम की। हम सब मेरा ख्याल जिंदगी में कभी मुगले आजम नहीं भूल सकते। मुगले आजम का नाम सुनते ही हमें एक नॉस्टैल्जिया सा आता है यार, है ना, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। मुगले आजम 1944 में शुरू हुई थी सर, और जानते कब कंप्लीट हुई थी, एनीबॉडी कैन टेल मी, 16 years, 1960 में ये रिलीज हुई थी, 16 साल। दैट इज द ओनली मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि जो 16 साल में बनी। किसने बनाई थी, के आसिफ, राइट। के आसिफ की जो पागलपन है ना सर, मैं समझता हूं उतना पागल आदमी तो शायद दुनिया में ढूंढना ही मुश्किल होगा के आसिफ जैसा। 1944 में फिल्म शुरू करता है और 1960 में रिलीज करता, कितना बड़ा जुआ है कि 16 साल में कौन मर जाए। चेहरे बदल जाते हैं लोगों के सर, दिलीप कुमार के चेहरे बदल गए, कोई मर जाए जी जाए, और पैसा पानी की तरह बहा है उसमें, पैसा पानी की तरह बहा है उसके अंदर। बहुत से किस्से हैं कि उसने कितने पागलपन किए उसके अंदर, और एक टाइम पे डायरेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा पैसे हो गए खत्म, इसी के अंदर करने जो कर ले। मेरा मन करता आपको 15-20 स्टोरी सुना सकता हूं मुगले आजम जो पागलपन उसने किए, पहले तो 16 साल किए। तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता मुगले आजम की पागलपन की, तो आप हैरान हो जाओ कि कितना भी पागल कोई हो सकता है। उसमें एक सीन है कि जब अनारकली और सलीम, एक सीन है उसके अंदर अनारकली और सलीम जो है वो झूला झूल रहे हैं, उनको आवाज आती है पीछे से, तानसेन जो है वो गाना गा रहा है, तानसेन गाना गा रहा है। तो के आसिफ ने नौशाद साहब को पूछा कि यार तानसेन तो है नहीं, क्या आज के इस युग में ऐसा कोई बंदा है जो मतलब तानसेन की टक्कर का हो। तो के आसिफ ने कहा है तो जरूर हुजूर, लेकिन वो गाता नहीं फिल्मों के लिए। बोला है ना, बोला है लेकिन वो फिल्मों के लिए नहीं गाता। क्या नाम है उनका, कह रहा जी बड़े गुलाम अली साहब। कहाँ रहते हैं, लखनऊ। तो बोला मुझे लखनऊ ले चलो। बोले पागल है यार, वो नहीं गाता फिल्मों के लिए गाना, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो फिल्मों के लिए गाता ही नहीं कभी। वो भी बड़ा सनकी है, बड़े गुलाम अली साहब बड़े सनकी है, वो नहीं गाते फिल्मों के लिए। वो कह रहा तू ले तो चल, अब ये उससे बड़ा सनकी। चले गए सर नौशाद साहब, ये रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, ये किताबी स्टोरी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। जो बाकी स्टोरीज हैं मोटिवेशन की वो तो हमने आपको सुना दी, पर ये रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, सुनिएगा। तो कहते कि के आसिफ और नौशाद साहब लखनऊ चले गए। अंदर गए तो बड़े गुलाम अली साहब ने स्वागत किया कि आइए नौशाद साहब, क्या हाल चाल है। तो नौशाद साहब ने बताया ऐसे ऐसे। तो बोला ये कौन है, बोला यार ये एक नया डायरेक्टर आया के आसिफ, तो बड़ा पागल सा आदमी है,
और ये चाहता है कि मुगले आजम फिल्म में आप गाना गाएं। तो उनको गुस्सा आ गया, बोले तूने इस बेवकूफ को बताया नहीं कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। बोले सर बताया था, ये समझ नहीं रहा। तो बोले मैं समझा दूँ? बोला आप ही समझा दीजिए। तो उसने बोला कि आसिफ को अंदर आ, अंदर आ। कि आसिफ को वो दरवाज़ा अंदर जो उनकी रूम था उसके अंदर ले गए, चिटकनी मार दी। बोले तो गाना गवाएगा मेरे से, गाना गवाएगा? के आसिफ सिगार पीते थे। तो के आसिफ ने क्या किया, अब सुनिए के आसिफ का, गाना गवाएंगे? कहता गाना तो आप ही गाएंगे, ये साला उससे बड़ा बदतमीज। कह रहा तो गाना गवाएगा? गाना तो आप ही गाएंगे। कह रहा अच्छा गाना मैं ही गाऊंगा। उस जमाने में जितने भी सिंगर थे, सहगल साहब, मुकेश साहब, जितने भी थे, 500 रुपए आप देते थे उनको एक सिंगर को महीने का, और जितने गाने गवाने गा लो, 500 रुपया महीना, जितने गाने गवाने गवा लो आप, इतनी मतलब 500 रुपए की अहमियत थी। तो इसने बोला बताऊं फिर, बोले गाना तो आप ही गाएंगे। बड़े गुलाम अल सेब ने बोला मैं 10,000 रुपया लूंगा एक गाना गाने का। क्या बोला? जबकि 500 रुपया पूरे महीने का होता था। तो उन्होंने बोला बेटा 10,000 रुपया लूंगा एक गाना गाने का। तो के आसिफ कहते गाना तो आप ही गाएंगे। कुर्ता था 5,000 रुपये उसमें से निकाला और रख दिया टेबल पे, और बोलते हैं गाना तो आप ही गाएंगे। सर ये होता पागलपन। और बड़े गुलाम अली साहब ने एक ही गाना फिल्म में गाया था मुगले आजम में, जो के आसिफ साहब ने उसे गवाया था। सर ये होता है पागलपन। सर कि वो तो राग में था ना, गाना राग बेस था। इसको बोलते हैं पागलपन कि 500 रुपया एक सिंगर को मिलता है पूरे महीने का, और ये 10,000 रुपये गाने का देते हैं और कहते हैं गाना तो आप ही गाएंगे। सर अगर पागलपन हो तो के आसिफ जैसा हो कि जिंदगी में आप कुछ भी सोचो तो आप कर ही डालो यार जीवन के अंदर। इसको बोलते हैं जिंदगी का एक पागलपन। जे आपां एक पूरे किसी दी पर्टिकुलर बंदे दी आपां केस स्टडी करनी है, उहदी जिथे जिथे कमियां ने या जो उहनूं है ना कमी आ रही है, तो उहदे विच वास्तु भी उन्ना ही जरूरी है। जे आपां ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes, मेरा यही क्वेश्चन सी, नाल ही मेरा आंसर भी तुसी आप ही दे देता। Yes. कि जे आपां ये सीख रहे हैं तां नाल वास्तु भी तुहानूं। मैं आपको वास्तु की इंपोर्टेंस बताता हूँ। हाँ जी, एक देसी भाषा में सोने का। परमात्मा की कुदरत देखो यार, लुक एट द गॉड। उसने कोई भी चीज आप ऐसी बता दो जो पेयर के अंदर ना हो, हर चीज जोड़े में बनाई है। आप अपनी बॉडी को देखो, बॉडी को देखो कि परमात्मा ने बनाई है ना, सारी जोड़े में है। आंखें, नेजल, लिप्स, हाथ, टांगे, तकरीबन सब चीजें आपको जोड़े में नजर आएंगी। नाउ इमेजिन कि जोड़े में परमात्मा ने क्यों बना दी। एक आंख से भी तो मैं देख ही रहा हूं, सबको देख रहा हूं ना सर, देख सकता हूं। तो ये दूसरी आंख बनाई क्यों? जैसे दूसरी आंख बनाता हूं क्या होता है, आपका हॉरिजन वाइट हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक हाथ से भी तो काम कर लेते हैं ना सर, तो हम भी कर सकते हैं। तो परमात्मा ने नहीं दूसरा हाथ लगाया ताकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो। एक टांग से भी तो लोग चलते हैं ना सर, लेकिन दूसरी टांग परमात्मा ने बोली नहीं नहीं यार इसकी भी जरूरत है। तो अगर आप समझो कि अगर आप जिंदगी में पूरी प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग लाना चाहते हैं सफलता के लिए, तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु दो टांगे हैं आपके जीवन की। ये सिक्के के दो पासे कह सकते हैं। जब तक ये दोनों टांगे इकट्ठी ना चले ना, तो शायद हो सकता है कि एक टांग आपको उतना दौड़ ना पाए जितना आपकी पोटेंशियल है। तो दोनों चीजों का संगम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम पूनम है। मेरा ये क्वेश्चन है भी जैसे हमारे पास बिजनेस वाले लोग आते हैं और उनका मेन क्वेश्चन यही होगा भी हमारे वर्कर्स नहीं टिकते, वर्कर्स नहीं रहते हैं और बार बार चेंज यानी कि वर्कर्स के लिए बार बार भागना पड़ता है, तो उन उस चीज़ को कैसे हम रिलेट करें? जी अगर किसी के वर्कर भाग रहे हैं तो उसका वास्तु में इलाज ये होता है। एक आता है भौम यंत्र, भौम जिसको कि मंगल यंत्र भी बोलते हैं। तो उसको बोलो कि भैया एक तो भौम यंत्र ले ले या मंगल यंत्र, इधर ऑफ द टू, कुछ उसको मंगल यंत्र बोलते हैं कुछ भौम यंत्र बोलते हैं। वो अपने ऑफिस में जहाँ तू बैठता है उसमें साउथ की वॉल पे उसको लगा दे, या जो तेरी पूरी फैक्ट्री का साउथ जोन पड़ता है उसकी वॉल के ऊपर उसको आप लगा दो, तो ये उसका सलूशन है वास्तु में, जहाँ से आपके वर्कर टिक सकते। सर मेरा क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, जैसे अपने फ्लैट्स खरीदते हैं अपार्टमेंट्स में, तो फ्लोर वाइज जब हम देखते हैं नंबर 40 न्यू, मैं वास्तु की बात नहीं कर रही, मैं न्यूमरोलॉजी पे जा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी वही सीखा है। सपोज हमारा फ्लैट नंबर कैसे रहता है अपार्टमेंट में, फ्लोर वाइज फर्स्ट लेते हैं 404, 403, 402 सपोज जो भी है,
तो जब अपना वो डिजिट देखेंगे तो फ्लैट नंबर अपना 4 वाला लेंगे लास्ट वाला या 4408? ये सेकंड क्वेश्चन क्वालिफाई कर रहा है सोनिका, हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी शायद सर मैं जितना समझती हूं, मैं पहले आंसर करती हूं, आप बताना मैंने गलत सीखा है या सही। मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला नंबर है जो 1234 आ रहा है सबका, उसे कंसिडर करें अपने ड्राइवर कंडक्टर से, क्योंकि फ्लोर तो सबका सेम है। बहुत ही बढ़िया। अब सपोज कीजिए फोर्थ फ्लोर है और आपका फ्लैट नंबर 1 है, तो आप ले लो, हां 1 है, तो आपका जो एड्रेस कम्युनिकेशन होगा, जब आप अपना बाहर नाम लिखेंगे तो आपका एड्रेस होगा 401 नंबर, ऐसे होगा या 41 होगा? बिल्कुल। आपके फ्लोर से कोई मतलब नहीं है, जो एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस जिसमें आपको कुरियर आएगा तो वो होगा 401 नंबर। तो जो 401 नंबर है उसको हम मानेंगे, फ्लोर की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। फॉरेन बॉर्न बच्चे का कैसे हम डिटेक्ट करेंगे बर्थ चार्ट, टाइमिंग्स का थोड़ा सा? फॉरेन में अगर कोई बच्चा पैदा होता है सपोज करो और इंडिया में पैदा होता है, तो उसका जो बर्थ का टाइम है, जो भी उसकी डेट है, फॉरेन में जो पैदा हुआ है उसी के हिसाब से बनेगा, उसको आपने इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है। देयर इज डिप्रेशन, यदि कोई मरीज आया है, एंड कैन न्यूमरोलॉजी हेल्प इन? यस 100%। यस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट कैन बी द कॉजेज फॉर द डिप्रेशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Now, how the person can come out of the depression? In that case, I will say all the remedies has to be done. Yes. But in particularly, the crystal helps a lot. Okay. Crystal helps a lot to take the person out of the depression. Okay. Now, I give you the logical reason. So, iski bhi ek inbuilt property kya hai? Ki ye hamare aura ko kya karta hai? Cleanse karta hai, not clean. Okay. Cleanse karta hai hamare aura ko. जब हमारे ऑरा को क्लींस करता है तो इसका मतलब हमारे थॉट को भी इंप्रूव करता है। ओके। अगर हमारे थॉट को इंप्रूव करता है तो इसका मतलब हमारी सक्सेस को भी इंप्रूव करता है। डिप्रेशन इज व्हाट? डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स। डिप्रेशन मींस डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स। तो वहां पर ये पर्टिकुलर जो है ये आपको ज्यादा मदद करेगा उसके अंदर। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। कहते हैं कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई चीज नई नहीं होती। हाय हाय, दोबारा से दोबारा से दोबारा से गुरुप्रीत, जबरदस्त। सर मैं लिखती भी हूँ जी, आई एम ए लिरिसिस्ट आल्सो। कहते हैं कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई चीज नई नहीं होती। बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट से मैंने सुना है, उनकी यूट्यूब देखी, बट जो रंग आप में था, जो अंदाज आप में था, जो मोटिवेशन आपने दी, जो इनलाइटनमेंट आपने दी, वो बिल्कुल ही दैट वाज विद द डिफरेंस। मैं डिफरेंस को देख पाई हूँ। so nice, मैं 40 इयर्स में रिसर्चर ही रही हूँ, तो मैं फेस से भी बता सकती थी आपका, लेकिन मैंने आपको जानना चाहा, आपको सुनना चाहा, उसके लिए मैंने फीस भी भरी, शायद ज़िंदगी में पहली बार भरी है। हमेशा भरवाई ही है। थैंक यू वेरी मच। सो आपका 4 नंबर है जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और जब कहते हैं कि चोट जब जहनो दिल पे लगी कि दिल की तरफ एक दरीचा खुला। दो धीरे धीरे थोड़ा सा। चोट जब जहनो दिल पे लगी, जब लगा मेरे को भी लगा मैं 4 हूँ, 8 हूँ, नेम भी 4 है, ईमेल भी 4 है, मोबाइल नंबर भी 4 है, गाड़ी का नंबर भी, घर का नंबर भी, सब कुछ 4 4 4 8 ही हैं, बच्चे भी 8 हैं, तो फिर भी मैंने इतनी सक्सेस क्यों पाई, फिर भी मैं टॉप को क्यों छूके आ गई, रिटायर हो गई हूँ अब। तो चोट जब जहन और दिल पे लगती है तो दिल की तरफ एक दरीचा खुलता है। हम भी किसी साज के तार थे, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। आप भी गुनगुनाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, यही हमारी मोटिवेशन है, यही हमारी इंस्पिरेशन है, यही हमारी इनलाइटनमेंट है। आपने हमें बहुत रोशन किया है, थैंक यू सो मच। सर सुदेश जोशी फ्रॉम पटियाला जी। सो हमारा स्कूल है, तो वहाँ पर हर साल बच्चों के 4 ग्रुप्स होते हैं, जैसे मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, और फोर्थ केस ये होता है कि प्लस टू करने के बाद दे हैव टू गो अब्रॉड। तो उसके बीच में वी हैव टू गाइड कि उनके लिए कौन सा कंट्री सूट करेगा, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, लंडन और USA। इसके लिए थोड़ा सा बता दो। और कुछ बच्चे 50% वाले होते हैं, फिर भी कहते मेडिकल ही करना है। सुनिए, अगर आपको इंजीनियरिंग के अंदर बच्चे को लेके जाना है तो देखिए उसके लिए क्या देखना है चार्ट के अंदर। 4, 9 and 2 का प्लेन कंप्लीट है। अगर 4, 9, 2 का प्लेन कंप्लीट है तो ये बच्चा एलिजिबल हो रहा है इंजीनियरिंग के लिए।
अगर वो मेडिकल में जाना चाहता है तो उसके चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 दोनों या दोनों में से कोई एक, और इन दोनों में से कोई एक 3 इज मोर रेलेवेंट, तो डॉक्टर मेडिकल में 3 और 7 दोनों नंबर हो तो बिल्कुल बढ़िया, या दोनों में से कम 3 हो जाए तो भी बढ़िया, लेकिन 7 भी उसके अंदर चल सकता है अकेला। फिर आता है कॉमर्स, कॉमर्स हमें दिलाएगा नंबर 8 चार्ट के अंदर या नंबर 5, ईदर ऑफ द टू, पहला है नंबर 8 और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है नंबर 5। सर थैंक यू, जैसा आपने फर्स्ट डे कहा था आई थिंक आई शुड से कि एब्सोल्युटली बैंग ऑन थे सर आप, कि डाउट्स क्लियर हो गए और क्वेश्चन बचे ही नहीं थे। मैंने 3 दिन में आई हैव राइट डाउन माय क्वेश्चन जो मेरी क्वेरी थी, बट अभी तक वो सारे आंसर हो गए हैं। और आप चंडीगढ़ आए सर, इसके लिए मतलब मैं अलग से आपका धन्यवाद करूँगा, और आपने मुझे पुल किया आई विल से डेफिनेटली इन दिस रूम, कि मेरा तो कोई बिल्कुल भी वो नहीं था, मैं ना स्टूडेंट पहले रहा हूँ ना कुछ वीडियोज़ देख रहा था ऐसे, बट मेरा इंटरेस्ट बहुत था ऑकल्ट में, और समहाउ ऐसा हुआ कि देखते ही मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 2 डेज मेरा पेमेंट भी हो गया, वो भी हो गया। तो थैंक यू सो मच, क्वेश्चंस नहीं है सर, आई थिंक आपसे जुड़े रहेंगे, वो एक लाइफ में मेरा ये अचीवमेंट है। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कंटिन्यू विद ऑकल्ट और नॉट, कैसा करूँगा कितना करूँगा, बट यहाँ पे आपके साथ ये जुड़ गए और ये जुड़े रहेंगे, दिस इज माय प्रॉमिस सर एंड माय कमिटमेंट। सो नाइस सुसिंदर, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। मैम प्लीज आप पहले यहाँ पे आ जाओ, और मुझे भी एक शेर डेडिकेट करना है। बड़े हसीन बड़े प्यारे से लगते हो, बड़े हसीन बड़े प्यारे से लगते हो, बेटी ब्याह चले फिर भी कवारे से लगते हो। सो थैंक यू सो मच। कुछ खटकता तो है रह रह के पहलू में मेरे, कुछ खटकता तो है रह रह के पहलू में मेरे, खुदा जाने तेरी याद है या दिल मेरा। इत्थे कदे किसे लई रुकदा नहीं, एक थां खलो के सफर कदे भी मुकदा नहीं, बड़िया लम्मिया रावां ने जिंदगी दियां, बड़िया लम्मिया रावां ने जिंदगी दियां, जे पिछे रह गया सजना किसे ने पुछना नहीं। दायरा कहता है मुझ में रहे मुझसे बाहर जिंदगी मुश्किल है, दायरा कहता है मुझ में रहे मुझसे बाहर जिंदगी मुश्किल है, मुझसे बाहर ठोक रहे हैं शिकवे हैं मुझसे बाहर, मुझसे बाहर ठोक रहे हैं शिकवे हैं मुझसे बाहर, मैं ही तूफान हूँ शुरू में आखिर में मैं ही साहिल हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी। आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी भी लहर आएगी और कभी तेरी भी लहर आएगी, और जरूर आएगी सर, जरूर आएगी।